229 का था मामूली सा लक्ष्य, फिर गेंदबाजों ने 99% हारा हुआ मुकाबला इस तरह जिताया। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले भैया, अगर आप ये टीम इंडिया के फैन, आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 सबकी बार टीम इंडिया जीते, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए रिपोर्ट पे आते हैं। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज एक और रोमांच भरा मुकाबला खेला गया, जो कि यह मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। दरअसल इस मुकाबले में आपको बता दें कि जहां इंग्लैंड की टीम ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करनी होती है। और टीम इंडिया केवल 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 229 रनों का मामूली सा स्कोर खड़ा कर पाई लखनऊ की पिच पर, जिसमें केवल रोहित शर्मा ने आपको बता दें कि 100 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली। बागी खिलाड़ी सुमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, ये तीनों खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद केएल राहुल ने 39 रन बनाए तो सूर्य कुमार ने 49 रनों की पारी खेली। फिर इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो इंग्लैंड की टीम यहां पे दोस्तों केवल 35 ओवर में 10 विकेट खोकर 129 रन ही बना पाई और टीम इंडिया ये मुकाबला 100 रनों के बड़े अंतर पर जीत गए। दरअसल इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जहां पे दोस्तों 4 विकेट चटकाए, तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट, जो कि ये दिखा रहा है यहां पे टीम इंडिया की गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया आज ये मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीत पाई। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है? अब क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के प्रबल दावेदार यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।